हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया मैम। सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम लोग क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी का सिलेबस आइसक्रीम मैन को ले रहे हैं और आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ये पेज, जिसमें एक आइसक्रीम मैन वाला बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। तो मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। फर्स्ट पेज में आपने देखा एक आइसक्रीम में बच्चों को आइसक्रीम दे रहा है। देन नेक्स्ट पेज में लिखा है व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट एवरीवन फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन समर डे इज एन आइसक्रीम एंड एवरीवन फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी ए आइसक्रीम मैन। इसका मतलब ये है कि ऐसा क्या है ठंडा जो स्वीट मीठा और क्रीमी बहुत अच्छा खाने में है, सभी का फेवरेट ट्रीट स्पेशली हॉट गर्मी दिनों में आइसक्रीम है और सभी का फेवरेट पर्सन आइसक्रीम वाला है। इसका ये मीनिंग होता है। फिर हमने देखा है, लिखा है वहाँ पे व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स प्लार्ज ऑफ हीट द आइसक्रीम मैन विद द लिटिल कार्ट गोस ट्रम्बलिंग डाउन द स्ट्रीट। देखिए, इस में जो ब्लास्ट और ट्रम्बलिंग है उसका मीनिंग पेज नंबर 4 में दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। ब्लास्ट का मतलब ब्राइट फ्लेम और फायर, और ट्रम्बलिंग मतलब गोइंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील मतलब चक्का गाड़ी का। फिर इसका मतलब ये होता है जब गर्मी होता है सिटी में, और जैसे ईट भयंकर गर्म हो जाता है, तब आइसक्रीम मैन अपने छोटे से लिटिल ठेले को लेकर उसे डुलाते हुए स्ट्रीट पे आता है। फिर नेक्स्ट में लाइन में लिखा है बीनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओ व्हाट जॉयफुल साइट टू सी हिम फुल ऑफ कॉर्न ऑफ मोल्ड्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। इसका मतलब ये होता है बीनेथ अपने गोल छाते के नीचे वो क्या बहुत खुश मिजाज दृश्य है उसको देखकर उसका भरा हुआ कोन और मॉल्ट को देखकर ठंडा ब्राउन और वाइट का। इसका भी और जस्ट उसके नीचे लिखा है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रोजी फ्रीज ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक। फ्रोजी फ्रीज का मीनिंग भी दिया है इसमें पेज नंबर 4 में, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग ए हिसिंग बबलिंग साउंड। इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये बताया है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली फ्लेवर का पीने में और फुल ऑफ बॉटल बबली साउंड देते हुए ग्रीन ऑरेंज वाइट और पिंक जो हम लोग फ्रोजी फीक मतलब ड्रिंक पीते हैं, इसका मतलब ये है इस फ्लेवर का। हिज कार्ट माइट बी फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पी द वे ऑफ चाइल्ड क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। इसमें क्लस्टर का मतलब गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स दिया है पेज नंबर 4 में। तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो बच्चे हैं जो वहाँ पे उसका ठेला है उसके अराउंड फ्लावर बेड जैसा दिखता है जिसमें फूल रोज और हरे मटर के दाने जैसे, और बच्चे उसके अराउंड ऐसे दिखते हैं जैसे शहद के सामने मधुमक्खी, वैसे वो बच्चे ठेले के सामने झूमकर खड़े हो जाते हैं। इस चैप्टर में यही लिखा है।